हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू एडक्वा क्लासेस। दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर क्लास वन, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, चैप्टर नंबर वन, डू नॉट वेस्ट। टुडे टॉपिक इज समरी, लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट्स, आज हम समरी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। Once there was a boy named Ashu. Once there was a boy named Ashu. एक बार एक लड़का था जिसका नाम था आशु। What was the name? आशु। He was very naughty and careless. Naughty means शरारती, careless means लापरवाह। वह बहुत ही naughty और केयरलेस था, मीन्स वह बहुत ही शरारती और लापरवाह था। ही वुड नेवर स्विच ऑफ द लाइट्स, फैंस एंड इवन नेवर टर्न ऑफ द टैप्स। वह ना तो लाइट्स को स्विच ऑफ करता था, ना फैंस को, और इवन टैप्स को भी बंद नहीं करता था, बिकॉज ही वॉज वेरी केयरलेस, वो बहुत लापरवाह था। ही ऑल्सो यूज टू लीव हिज लंच एंड डिनर हाफ ईटन। वह लंच और डिनर को आधा छोड़ने का आदि था। इट मीन्स वो हमेशा जब भी लंच और डिनर करता था उसे छोड़ देता था। हिज मदर वॉज वेरी अपसेट। उसकी मम्मा बहुत परेशान थी। अपसेट मीन्स परेशान। एंड वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन। और वह उसको सबक सिखाना चाहती थी। स्टूडेंट, सपोज इफ यू डू सो देन योर मदर विल ऑल्सो गेट अपसेट। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपकी मम्मा भी अपसेट हो जाएंगी। सो शी थॉट ऑफ ए प्लान। इसलिए उन्होंने एक प्लान सोचा। Who thought of a plan? Ashu's mother, because she wanted to teach him a lesson, na? वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। That's why she thought of a plan. Students, do you know what his mother did? One day she switched off the main supply of electricity and water. एक दिन उन्होंने main supply इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की और पानी की, उसका जो बटन था वो स्विच ऑफ कर दिया। व्हेन आशु केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब आशु अपने स्कूल से वापस आया एंड स्विच ऑन द लाइट्स एंड फैंस, बट दे डिडंट वर्क। उसने लाइट्स और फैंस के स्विच ऑन किया पर वो वर्क नहीं कर रहे थे, ना तो लाइट चल रही थी और ना ही फैंस चल रहे थे। आशु वॉज गेटिंग इरिटेटेड, सो ही टोल्ड हिज मदर अबाउट दिस। आशु बहुत इरिटेट हो रहा था बिकॉज ना तो फैंस चल रहे थे ना लाइट चल रहे थे। सो ही टोल्ड हिज मदर अबाउट दिस। उसने अपनी मदर से इसके बारे में बताया। हिज मदर सेड योर शेयर इज ओवर। व्हेन आशु told his mother about all the problems, then his mother said, your share is over. तुम्हारा शेयर खत्म हो चुका है। Do you know why his mother said like that? Because Ashu always misuse the things. Ashu हमेशा चीज़ों का misuse करता था। That's why his mother said your share is over. It was a very difficult आर फॉर हिम। स्टूडेंट्स, फॉर होम इट वॉज एन डिफिकल्ट आर। ये मुश्किल समय किसके लिए था? बिकॉज देर वॉज नो लाइट्स, देर वॉज नो फैंस, सो इट वॉज डिफिकल्ट टाइम फॉर आशु, बिकॉज आशु के लिए ये मुश्किल समय था। ही कुड नॉट यूज द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। वह ना तो बिजली यूज़ कर पा रहा था और ना ही पानी का इस्तेमाल कर पा रहा था। डू यू नो वाई ही कुडंट? बिकॉज हिज मदर
switched off the main supply of electricity and water. वो पानी और बिजली का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी मम्मी ने मेन सप्लाई जो बिजली की थी और पानी की थी वो बंद कर दी थी. He started to cry. उसने रोना शुरू कर दिया. किसने रोना शुरू कर दिया? आशु started to cry. आशु ने रोना शुरू कर दिया because he couldn't use anything. Then his mother made him understand that never misuse the things around us. तब उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि जो चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. Who made him understand? किसने समझाया? आशू's mother. आशु की मदर ने आशु को समझाया कि हमें चीज़ों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. Imagine how difficult life would be without them. आप कल्पना करो कि इन चीज़ों के बिना लाइफ कैसी होगी. Without them means electricity के बिना, पानी के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी. Then Ashu realized his mistake and promised his mother that he would never waste anything again. Then Ashu realized his mistake. तब आशु ने अपनी गलती को समझा एंड प्रॉमिस हिज मदर और अपनी मदर से प्रॉमिस किया दैट ही वुड नेवर वेस्ट एनीथिंग अगेन. वह आगे से कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेगा. आफ्टर हियरिंग दैट फ्रॉम आशु हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी. आफ्टर हियरिंग दैट फ्रॉम आशु आशु से ये सुनकर हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी. उसकी मम्मी बहुत खुश थी बिकॉज शी वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन. वह उसको सबक सिखाना चाहती थी और उन्होंने उसको समझाया और वो समझ गया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ लेसन फॉर एवरी वन दैट वी शुड नेवर वेस्ट एनीथिंग. स्टूडेंट, दिस इज अ लेसन फॉर एवरी वन. ये लेसन जो है वो सबके लिए है कि वी शुड नेवर वेस्ट एनीथिंग. कभी भी हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. सपोज यू आर टेकिंग फूड, यू शुड नॉट वेस्ट दैट. वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. सो मैनी थिंग्स आर अराउंड अस, वी शुड नॉट वेस्ट एनीथिंग. कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. Underline the adjective. Student, this homework I have given to you in previous lecture. Today I am giving the solution of this homework. First of all, I will remind you the definition of adjective. सबसे पहले मैं आपको विशेषण की definition बताऊंगी. Words that describe the quality of a person, animal, places और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ओके, जो शब्द किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की, किसी स्थान की या किसी वस्तु की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. हमें क्या करना है? इन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस सेंटेंसेस. फिर हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, तो फिर हमें उस पर अंडरलाइन करना है. नंबर वन, रवि हैज़ न्यू शर्ट. रवि के पास नई कमीज है. शर्ट क्या है? न्यू है. सो वी विल अंडरलाइन हेयर. ओके, नंबर टू, ही इज़ अ टॉल मैन. वह एक लंबा आदमी है. टॉल मीन्स लंबा. मैन क्या है? टॉल है. सो ये मैन की क्वालिटी है. सो हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे.
Number 3, I live in small house. मैं छोटे घर में रहता हूँ. Small means छोटा, house means घर. House क्या है? Small है. ये उसकी विशेषता है कि वो small है. So we will underline here. Number 4, my pillow is very soft. Pillow means तकिया, soft means मुलायम. मेरा तकिया बहुत मुलायम है. यहाँ हम पिलो की क्वालिटी देखेंगे. पिलो की क्या क्वालिटी है? कि वो मुलायम है, वो सॉफ्ट है. सो हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे. नंबर 5, द लिटिल पपी हैज़ शॉर्ट टेल. लिटिल पपी मीन्स छोटा पपी, छोटा कुत्ता. हैज़ शॉर्ट टेल, उसकी छोटी पूंछ है. यहाँ पपी की क्या क्वालिटी है? वो लिटिल है, छोटा है. और टेल की भी क्वालिटी है, वो शॉर्ट है. तो हम लिटिल पर भी अंडरलाइन करेंगे और शॉर्ट पर भी अंडरलाइन करेंगे. ओके, गॉट इट?